मैं घुसी नहीं थी और एक दिन नहीं घुसने का नतीजा देखिए किचन का हालत क्या हो गया है। ऐसे तो पीछे भागने से तो होगा नहीं, क्योंकि जितना ही लेट करेंगे और जितना ही छोड़ेंगे तो उतना अपने को ही पड़े। तो अभी ये थायराइड का अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया नहीं है। कितना बज गया? तो यहाँ पर मैं समोसा खाने पिए काम भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये तो काम भी कर ली। तो ये देखिए मेरा चाय रेडी, आएंगे बोले थे लेकिन आए नहीं। तो देख के वो ज्यादा बारिश दिन में ना, और हमारे यहाँ सांप भी निकल जा रहा है, इसका क्या बोलते हैं फिल्टर खराब हो गया, तब हमें पता चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कर दिया कांड। वो जबकि भर गया, देखियो देखियो कितना प्रेशर से आ रहा है, हम लोग आज तक देखे नहीं थे कि आ रहा था। आलू चॉप बना लिए, देखिए अब थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही है। तो कुछ मेरी बेटी आ नहीं रही थी, लेकिन मैं उसका वीडियो बना ली, गुस्सा कर रही थी। तो जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये वीडियो में देख रहे हैं कि मुंह लटका हुआ है, तो मुंह इसलिए लटका हुआ है क्योंकि रात भर मेरा तबीयत खराब था, मतलब खराब बोलने से कंधा दर्द दे रहा था। रात भर नहीं, एक दिन पहले मतलब शनिवार के रोज, जो कि मेरा घर किचन में मैं घुसी नहीं थी और एक दिन नहीं घुसने का नतीजा देखिए किचन का हालत क्या हो गया है। सारा किचन तहस नहस, जितने बर्तन ऊपर में थे सब नीचे आ गए हैं, मेरा सर में पकड़ ली हूँ। और मतलब बोलते हैं घर की औरतें अगर बीमार पड़ जाएंगी नहीं तो यही हाल होता है, देख लीजिए क्या हाल हो रखा है। इधर अभी सब सोए हैं, मैं भी थोड़ा सा लेट से ही उठी थी क्योंकि तबीयत नहीं खराब था। इधर हस्बैंड अपना कपड़ा निकाले, इधर मेरा कपड़ा निकला हुआ है, तो हस्बैंड तो खैर अपना कपड़ा धोएंगे खुद से ही, मेरे को टेंशन नहीं है। अब मैं मेरा वाला धोऊंगी, बाद में धोऊंगी, अभी कोई मतलब जरूरी नहीं है। अभी तो पहले बैठ कर सोच रही हूँ कि किचन को कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। अभी झाड़ू पोछा सब बाकी था क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी का दिन, तो मैं झाड़ू पोछा भी संडे का रोज लगाती हूँ। ये देखिए चौक, ये जो बेलना चौकी जो होता है ना, चौकी इसको कहते हैं, इसमें तक भी तेल पता नहीं, बच्चे सब बनाए थे ब्रेड को, ये किए थे तो पता नहीं कैसे लगा दिए। तो देख के हंसी भी लग रहा था, गुस्सा भी लग रहा था। तो अब स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अपना मिशन बर्तन धोना, क्योंकि नहीं करने से तो पीछे भागने से तो होगा नहीं, क्योंकि जितना ही लेट करेंगे और जितना ही छोड़ेंगे तो उतना अपने को ही पड़ेगा। तो हमारा ये फर्ज है तो इसको निभाना ही पड़ेगा। तो एक एक बर्तन पहले मैं छोटे छोटे बर्तन को पहले खंगाल लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे बर्तन ही ज्यादा देख के ना, और हम काम से देख के ना डर जाते हैं, इसलिए ज्यादा काम लगता है, लेकिन करने लगो तो ये देखिए मेरे घर में कितना गिलास है, कप है, जितना सब कुछ था ना, जितना बर्तन था ना, थोड़ा बहुत ऊपर में था, नहीं तो सारा निकल गया था। तो ये देखिए कप खाली है, बर्तन का इधर दो चार थोड़ी थाली उली है, प्लेट व्लेट, नहीं तो सारा नीचे आ चुका था जूठे में। एक दिन अगर किचन में ना घुसो, मैं सच बोलो तो मैं घुसी भी नहीं थी, बच्चे ही सब बनाए उनाए थे, खाए थे हस्बैंड बच्चे सब मिल करके। तो खैर हस्बैंड भी कितना करेंगे, क्योंकि बाहर का भी करेंगे फिर घर में भी आके करेंगे। अब बर्तन तो मैं खुद ही बोल देती हूँ, बर्तन तो है ना, जो बर्तन है उसी में बना लो, दूसरे दिन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं धोऊंगी। तो ये मैं धोने लगी, और संडे का दिन था, थोड़ा लेट से भी उठी, लेकिन लेट से उठ के भी फटाफट अपना काम निपटा ली टाइम से। तो यही कोई शायद एक जन आ गए थे, एक बच्चा आ गए थे, तो वही मैं बात भी कर रही हूँ और बर्तन भी धो रही हूँ। करीब सुबह का मतलब करते धरते मतलब इस टाइम 8 बजता होगा। तो ये देखिए फटाफट बर्तन धो ले रही हूँ मैं। तो फाइनली मेरा बर्तन धुल गया और किचन भी साफ हो गया था। और उधर मेरी बेटी ने एक एहसान कर दिया मेरे ऊपर, झाड़ू लगा दी, तो मैं पोछा लगा दूंगी पीछे पीछे से। तो पोछा भी मैंने पूरा नहीं लगाया था, कुछ मेरे हस्बैंड हॉल को लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही बार उतना काम सब करने के बाद से बर्तन उतना सारा तो आप सब ने देखा ही, सब कुछ धो करके और घर का भी जो भी साफ सफाई था वो सब कंप्लीट हो गया। और हस्बैंड गए हैं अपना कपड़ा धोने, सब अपना अपना आज धोएगी, वो देखेगा सब आना हुआ धोएगी। इधर ये जो देख रहे हैं ना, ये वो चेयर पे जो देख रहे हैं वो मेरा कपड़ा है, लेकिन आज मैं और नहीं धोऊंगी। मेरा यहाँ पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, थायराइड की वजह से ना ये पूरा दर्द देता है ये हाथ उत्सव। तो अभी ये थायराइड का अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया नहीं है। कितना बज गया? करते करते सब 10 बज गया। तो ये थायराइड का गोली खाऊंगी, उसके बाद से एक समोसा आया है, नाश्ता नहीं बनाई थी तो हस्बैंड जी का फोन आ गया था, तो ये एक समोसा खाऊंगी, उसके बाद से ये दर्द का दवाई है इसको खाऊंगी, उसके बाद से जाऊंगी चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी।
पानी देते हो। तो मैं दवाई को ना पूरा पूरा यहाँ रखती हूँ, तब जाके मेरे से घुट आता है, वो थायराइड का हो या जो चीज का भी हो। ऐसा ही है। अब बहुत जान बोलते हैं ऐसा बैक कैमरा से बनाने का ब्लॉग स्टाइल, मुझसे तो होता ही नहीं है, मतलब मुझसे तो फ्रंट कैमरा से ही बनता है, जो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बना के देखी थी एक दिन, शकल ही नहीं आया था बनाई थी तो। और आइए आप सब भी समोसा खा लीजिए, एक समोसा। अब दवाई रख दो। तो चलिए खा के मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं समोसा खाने, मैं समोसा एक ही समोसा खाती हूँ, और ये समोसा का ना जहाँ से लाते हैं वहाँ उनका समोसा बहुत अच्छा लगता है। इसमें का खास करके आलू वाला मसाला जो रहता है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा खत्म हो चुका समोसा, पानी पी लेती हूँ, दवाई ले लेती हूँ, बिना दवाई का तो कोई ये नहीं है। उसके बाद से मैं नाश्ता करने के बाद से किचन में जाती हूँ, किचन में चाय बनाऊंगी। चाय भी नहीं बना था तो देखिए बर्तन जो खाया वो बर्तन रख दी, चाय भी नहीं बना था, चाय बनाती हूँ और फिर ले जा करके आराम से अपने रूम में बैठ के पीऊंगी बोल करके, क्योंकि जब तक मेरी तबीयत खराब हो चाहे जो चाय ना हो तो मुझे और मतलब मेरी गाड़ी चलती ही नहीं है, तो मैं बिना चाय पिए काम भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये तो काम भी कर ली। तो देखिए मेरा चाय रेडी और अपने कमरे की ओर चल पड़ी मैं। चलिए आप सब भी, चाय रेडी हो गया और मैं चाय लेकर के अपने कमरे में आ गई। अब अगला नेक्स्ट ड्यूटी है खाना बनाने का, तो मेरे हस्बैंड और बच्चों का जिम्मेदारी है तो इन्हीं लोग करेंगे वहाँ बैठ करके देख रही है। तो उसके बाद से, और हाँ ये काला टी शर्ट मैंने बहुत दिन के बाद पहना है, करीब एक साल हो गए हैं, एक साल तक रखे, एक साल के बाद पहनी हूँ। कहाँ पहन रही, उसी दिन तो पहने थे। एक एक ब्लू कलर का कहाँ हज गया है पता नहीं टी शर्ट, उसी दिन तो पहने थे। ये सब ठीक रहता है घर के लिए, ऐसे साड़ी पहनना चाहिए लेडीज, लेकिन क्या करें आजकल आदत छूट गया है नाइटी पहन पहन के, तो साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता है। तो टी शर्ट कोई है नहीं ससुराल में, अगर रहने से तो इंसान साड़ी ही पहनेगा। तो चलिए चाय पीती हूँ और देखते हैं। अभी तो हस्बैंड जी का कपड़ा धोना, पूरा सारा कपड़ा अपना निकाल दिए हैं, देखिए हैंगर में जितना था खाली हो गया। तो अब मेरा घर का कंडीशन देख के इग्नोर कीजिएगा, क्या करेंगे कंडीशन खराब हो गया है, इस साल रंग होगा शायद। तो चलिए फिर क्या देख, बने रहिए ब्लॉग में, आगे जो होगा दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए चाय पीजिए आप सब भी, गरम है, चलिए चाय पी करके तो फिर दिखाती हूँ क्या दिखाना है कि, ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बस उतना ही तक था ड्यूटी, मतलब बर्तन वर्तन धोना, घर का साफ सफाई। उसके बाद से मेरे हस्बैंड अपना कपड़े उपड़े धो करके फिर किचन में चल जाते हैं, सब्जी और चावल बनाते हैं, इधर थोड़ा सा मिट्ठू से बात करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने वो भाभी के घर से भिंडी उनके घर में हुआ था और नींबू तो लेकर आए थे, तो डिक्की में ही छोड़ रखा था, तो वो मेरी बेटी ला के रख रही है। और इधर सारे कपड़े देखिए मेरे हस्बैंड सब धो करके टांगे हैं, और ये हम लोग का कचरा बाल्टी है, सरकार की तरफ से मिला है। और ये संडे को भी साफ करने वाले, घास साफ करने वाले आएंगे बोले थे, लेकिन आए नहीं, तो देख के वो ज्यादा बारिश दिन में ना, और हमारे यहाँ सांप भी निकल जा रहा है इस घास उसके वजह से। तो रात को तो हम दरवाजे के नीचे कपड़ा लगा करके सोते हैं, तो इधर मेरे हस्बैंड हाय कह रहे हैं, वो सोच रहे सुनाई दे रहा है कि मैं खाना बना रहा हूँ। तो इधर सब ये ट्रेंड में जो चला है वीडियो ना, इसको मैं देख रही थी, मैं भी बनाने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, हुआ नहीं, एक दिन रात को किए थे भीग भी गई थी, हुआ भी नहीं। उधर मेरे हस्बैंड मिट्ठू से फिर बात कर रहे हैं। फिर ये शाम का टाइम है, और शाम का टाइम एक तो नया चीज हुआ, और नया चीज का याद कैसे आया, सरकारी नल जो हमारे यहाँ है, ये देखिए धूप से आधा कपड़ा धोया था, नल आ गया हमारे यहाँ, तो घर हर घर पानी बोलने से कितना दिन से है, लेकिन हमें वेल्यू जब पता चला, जब हमारा क्या बोलते हैं फिल्टर खराब हो गया, तब हमें पता चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कर दिया कांड,
वो जब किचन में घुसते हैं तो कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। तो वो फिल्टर में मैं बताना भूल गई थी कि 5 मिनट बाद पानी निकलता है, वो फिल्टर चालू किए 5 मिनट लेट हुआ तो लगे अपने लोहा वाले हाथ से छूने छाने तो बेचारा टूट गया। ये देखिए पड़ा है यहाँ टूट के। तो उसके बाद से हमें सरकारी नल का याद आया, तो इसका भी पानी बहुत अच्छा पूरा फिल्टर पानी ही आता है, मतलब वो पीने के लिए ही है सब कोई को। तो यही मेरा टांगा रहता था ये देखिए, तो वही पानी आया तो पानी लेकर के हम लोगों ने वहां भर के छोड़ दिए। इधर मेरी बेटी आलू चप बनाने का तैयारी करी थी अपने से सीख के, इधर तारक मेहता लगा दी थी। और मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि चलो पानी भर गया, देखियो देखियो कितना प्रेशर से आ रहा है। हम लोग आज तक देखे नहीं थे कि आ रहा था, जब देखे तो बहुत खुशी लगा क्योंकि लगा के चल गए थे, सरकार की तरफ से ही लगा है, हम नहीं अपने खर्चा हमारा खर्चा नहीं लगा है, तो मोदी जी ही लगाए हैं। और इधर मेरी बेटी आलू चॉप बना ली है देखिए, अब थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही है तो कुछ कुछ मेरे जैसा ही कुछ कुछ आइटम वो ट्राई करते रह रही है। अच्छा ही बनाई थी, उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा बनाई थी आलू चॉप, भले वो आड़ा टेढ़ा हुआ था। और एक चीज और है, मेरी बेटी उल्टा हुई है, मतलब पैर के बोलते हैं ना कि उल्टा जो जन्म लेते हैं पैर के तरफ से, तो वैसे तो कंधे उन्धे में दर्द ऐसे चोर घुस जाते हैं तो उससे ये करते हैं, तो मेरी बेटी आ नहीं रही थी लेकिन मैं उसका वीडियो बना ली, गुस्सा कर रही थी तो वही देखी तो सो गई। तो उसके बाद से शाम का चाय बनाती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, हम दोनों पीते हैं। और आप सब भी इंजॉय कीजिए, मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा बताइएगा। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड भी करती हूँ, तो बाय, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, और चैनल बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आप सबके पास पहले पहुंच जाए। तो आज का मेरा ब्लॉग संडे स्पेशल ब्लॉग छुट्टी का दिन वाला कैसा लगा बताइएगा, और इंजॉय किए कि नहीं किए। Okay, bye.